दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। मैं आपको जो कहना चाहता हूं वो ये कि इस देश में कानून का राज चल रहा है, न्याय की व्यवस्था नहीं है, और कानून मूर्खता के बने हुए हैं तो फैसले भी मूर्खता के ही हो रहे हैं इस देश में। एक और उदाहरण देता हूं कानून और न्याय का। इस देश में एक कानून है, उसका नाम है मोटर व्हीकल एक्ट, अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है। इस कानून में व्यवस्था क्या है, अगर आप किसी व्यक्ति को गाड़ी के नीचे कुचल कर मार डालो तो यह गैर इरादतन हत्या का मामला बनता है और इसमें 2 या 3 साल की ज्यादा से ज्यादा सजा होती है, और गाड़ी से उतरकर उसी आदमी को मार डालो तो इरादतन हत्या का आरोप लगता है और सजा 14 साल की होती है और फांसी लग जाती है। अब मुझे आप बताइए, गाड़ी में बैठे बैठे मैंने किसी को कुचल दिया या गाड़ी से बाहर निकलकर मैंने उसको मार दिया, हत्या तो दोनों ही मैंने की है, एक हत्या में 2-3 साल की सजा और एक हत्या में 14 साल की सजा, ये कौन सा न्याय है? दुष्परिणाम जानते हैं क्या होता है? इस देश के बिगड़ैल बापों के बेटे जिनके पास बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां हैं, वो रात को अंधाधुंध शराब पीकर गाड़ियां चलाते हैं और उन गाड़ियों के नीचे गरीबों को कुचलकर मार डालते हैं, उनके खिलाफ अदालतों में जब आरोप तय होते हैं, मुकदमे के फैसले होते हैं, 2-3 साल की मुश्किल से सजा मिलती है और कई बार वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं। एक केस अभी हमारे देश में ऐसा ही आया था, एक बिगड़ैल बाप का बेटा, उसका नाम है संजीव नंदा, उसने दिल्ली की सड़कों पर फुटपाथ पर सोते हुए मजदूरों पर गाड़ी चढ़ाई थी, एक झटके में 8 लोगों को मार दिया था, अदालत ने उसको छोड़ दिया था। मोटर व्हीकल एक्ट। एक दूसरा बिगड़ैल बाप का बेटा है इस देश में, उसका नाम है सलमान खान, उसने बंबई में 20 लोगों को अपनी गाड़ियों के नीचे कुचल कर मार डाला है, छुट्टा सांड की तरह से वो इस देश में घूमता रहता है, पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, न्याय व्यवस्था के मुंह पर वो तमाचा मारता है। कारण क्या? मोटर व्हीकल एक्ट। जब इस कानून का इतिहास जानने की मैंने कोशिश की तो पता चला अंग्रेजों ने ये कानून बनाया था अपने लिए, क्योंकि अंग्रेज मोटरें चलाया करते थे, गाड़ियां उन्हीं के पास हुआ करती थी और अक्सर उनकी मोटर के नीचे आके भारतवासी कुचल कर मर जाया करते थे, तो किसी अंग्रेज को फांसी ना लगे उसके लिए इस कानून में व्यवस्था ऐसी की गई थी। वो अंग्रेजों के जमाने की व्यवस्था आज भी चल रही है और काले अंग्रेजों के लिए फल और फूल रही है और हम भारतवासियों की छाती पर मूंग दल रहे। ऐसी देश की व्यवस्था है, इसलिए मैं कहता हूं देश आजाद हुआ कहां, स्वतंत्रता आई कहां। ऐसे मैं आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए 34,735 कानून ऐसे के ऐसे ही चल रहे। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।